डेटाबेस की बात करें तो मोर देन 2 लाख से ऊपर हमारे किसान जो सीधे रूप से हमारे जुड़े हुए CDS जो नवादा है इनके साथ हम लोग का एक कोलैबोरेशन हो रहा है। ये शुल्क युक्त होता है OFT का, ऑन फार्म ट्रायल के अमरूद के अनार के नींबू के बच्चे हमारे यहाँ आ करके 4 महीने का प्रशिक्षण लेते हैं। तो अभी हम हैं नवादा कौआ कोल सेखो देवरा आश्रम से कृषि वैज्ञानिक केंद्र में डॉक्टर रंजन कुमार सिंह से बात करेंगे। किसानों को तमाम समस्या, क्या प्रशिक्षण किसानों के लिए दिया जा रहा है, कृषि में क्या क्या चीज यहाँ किया जाता है, वर्षों से 4 साल इनका कार्यकाल हो गया है, तमाम चीज पर बात करेंगे। अभी आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए क्या है, ये सब चीज पर बात करेंगे। हम डॉक्टर रंजन कुमार सिंह हैं, मैं वरीय वैज्ञानिक का प्रधान हूँ कृषि विज्ञान केंद्र ग्रामीण वन मंडल नवादा। देखिए, कृषि संबंधित हम लोग बहुत सारे प्रशिक्षण कार्यक्रम करवाते हैं। आपको मैं सबसे पहले संक्षिप्त रूप में ये बताना चाहूँगा कृषि विज्ञान केंद्र करती क्या है। कृषि विज्ञान केंद्र का जो मुख्य कार्य रहता है वो है जितनी भी तकनीकें किसानों के लिए ईजाद की जाती है डिफरेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट में, उन तकनीकों को मैं अनुसंधान के माध्यम से, जिसको OFT कहते हैं, ऑन फार्म ट्रायल के माध्यम से किसानों के बीच में प्रदर्शित करते हैं। और वो प्रदर्शन अगर मेरा सफल हो जाता है तो उसको FLD के माध्यम से, फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से बड़े क्षेत्र में प्रदर्शन करते हैं। और तकनीकों को प्रदर्शन करके सक्सेसफुल होने पर इन तकनीकों को हम अपने लाइन डिपार्टमेंट जिला कृषि पदाधिकारी को देते हैं ताकि उसको जिला स्तर पर बड़े क्षेत्र में किसानों के बीच में फैलाया जा सके। और किसानों को जितनी समस्याएँ होती हैं कृषि और कृषि संबंधित जितनी भी समस्याएँ होती हैं सभी का समाधान के लिए हम प्रशिक्षण कार्यक्रम करवाते हैं, जिसमें ऑन कैंपस, ऑफ कैंपस, एक्सटेंशन फंक्शनलिस्ट की ट्रेनिंग, रूरल यूथ की ट्रेनिंग, सभी प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम करवाए जाते हैं जो बिल्कुल ही निःशुल्क होते हैं। कोई भी किसान भाई आकर के हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं या ऑनलाइन मेरे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और जब भी प्रशिक्षण कार्यक्रम हमारा बैच स्टार्ट होगा उनको मैं बुला करके उनको प्रशिक्षण दे दूँगा। इसके अलावा हमारा काम होता है जितने भी क्वालिटी सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल प्रोड्यूस करना कृषि विज्ञान केंद्र का काम है, यानी गुणवत्ता युक्त बीज जो किसान की आज की जरूरत है वो हम लोग उत्पादन करते हैं। जैसे धान का बीज हो गया, गेहूं का बीज हो गया, मूंग का बीज हो गया, इसका उत्पादन करते हैं। और वो जो बीज हम किसानों को देते हैं वो फाउंडेशन सीड देते हैं, यानी किसान उसको लगातार 3 साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद बीज वो बनेगा जो अभी दुकान पर वो लेते हैं। यानी किसान भाई खुद भी जो हमसे बीज लेकर के बीज उत्पादन करके आसपास के किसानों को देकर बड़े क्षेत्र में बीज को फैला सकते हैं। इसके अलावा गुणवत्ता युक्त पौधे भी हम लोग तैयार करते हैं, जैसे आम के, अमरूद के, अनार के, नींबू के सारे पौधे हमारे यहाँ उपलब्ध होते हैं ताकि किसान को सही गुण के, सही किस्म के फसल कलेक्शन हो सके। नवादा कितने किसान जुड़े हुए हैं? देखिए, हमारे नवादा जिला के लगभग हर एक ब्लॉक के हर एक पंचायत के स्तर पर हमारे किसान हमसे जुड़े हुए हैं। अगर डेटाबेस की बात करें तो मोर देन 2 लाख से ऊपर हमारे किसान जो सीधे रूप से हमारे जुड़े हुए हैं, हमारे से जुड़े हुए हैं और हमेशा हमसे प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से फायदा लेते रहते हैं। और इसके अलावा जितने भी प्रशिक्षण कार्यक्रम में जाते हैं हम लोग जिला के प्रशिक्षण कार्यक्रम में, वो किसान भी हमसे प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से जुड़ जाते हैं सारे किसान। आंगनबाड़ी और जीविका वगैरह से बोली, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। जितनी भी आंगनबाड़ी की महिलाएं हैं इनके साथ हम लोगों ने ICDS जो नवादा है इनके साथ हम लोग का एक कोलैबोरेशन हो रहा है। कोलैबोरेशन के माध्यम से जितनी भी आंगनबाड़ी की महिलाएं हैं 300 महिलाओं का सिलेक्शन करके उनको हम पोषण वाटिका लगाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम दे रहे हैं ताकि न्यूट्रिशन गार्डन, पोषण वाटिका स्थापित करके बच्चों को कैसे पोषक तत्व युक्त फूड का उत्पादन उनके घर पर हो सके, उनके आंगनबाड़ी पर हो सके, ये सुनिश्चित करने का कार्य हम लोग कर रहे हैं प्रशिक्षण के माध्यम से। तभी 21, 22, 23 तारीख को 100 महिलाएं जो आंगनबाड़ी की चयनित महिलाएं हैं उनका प्रशिक्षण करवा के उनको आंगनबाड़ी का में पोषण वाटिका का स्थापना हम लोग करवाएंगे। एक रावे प्रशिक्षण चल रहा है, रावे क्या है वो, कैसे प्रशिक्षण? ये रावे होता है रूरल एग्रीकल्चर वर्क एक्सपीरियंस, यानी जो BSc एग्रीकल्चर के अंतिम वर्ष के छात्र जो होते हैं इनका लास्ट सेमेस्टर में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, तो उनका हमारे कॉलेज के साथ MOU साइन होता है और वहाँ के बच्चे हमारे यहाँ आ करके 4 महीने का प्रशिक्षण लेते हैं, 3 से 4 महीने का प्रशिक्षण लेते हैं, जिसमें जितने भी थ्योरेटिकल क्लास उन्होंने 3.5 साल में किए हैं सबका प्रैक्टिकल के रूप में हमारे फील्ड में आके करते हैं। चाहे धान, गेहूँ, मक्का में बीमारियों की समस्या हो, चाहे जानवरों में समस्या हो, उसका समाधान प्रैक्टिकल रूप से कैसे करें, वो सारे प्रशिक्षण हम लोग रावे बच्चों को देते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे डॉक्टर MBBS कंप्लीट करने वाले इंटर्नशिप करते हैं 6 महीने की, वैसे BSc एग्रीकल्चर के बच्चे 4 साल के एग्रीकल्चर पढ़ने के बाद रावे प्रोग्राम के थ्रू उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेते हैं। इसका बैच अभी हमारे यहाँ स्टार्ट हुआ है, 60 बच्चों का प्रशिक्षण हुआ कार्यक्रम हमारे यहाँ चल रहा है। चार्ज वगैरह ये शुल्क युक्त होता है, जैसे 4 महीनों का 1 टाइम शुल्क 8,000 रुपये हमारा लगता है, क्योंकि इसमें सारे खर्चे उसी में इंक्लूडेड होते हैं जो बच्चों में 4 महीने में पढ़ाने से लेकर रहने के जितने खर्चे आते हैं सब उसमें इंक्लूडेड रहते हैं 8,000 रुपये। चल वगैरह सब सब इसी में, सारी चीज़ें हमारे उपलब्ध है, हमारे पास सारी फैसिलिटी इसी शुल्क में उपलब्ध है। करेंगे आप सब देख रहे हैं मघी आवाज़ में सन।